हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर थर्ड बीएड फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, जिसका नाम है पाठ्यक्रम विकास की क्रियाएं प्रक्रियाएं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, क्योंकि ये वाला जो हम लोग का थर्ड जो पेपर है, इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। तो पहला चैप्टर का जो नाम है वो है पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल और तथा प्रश्न पाठ्यक्रम, ठीक है। तो पाठ्यक्रम जितने भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड जितनी भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो सारे आपको इस पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एक दिया गया है, इस पर दिया गया है पाठ्यचर्या का प्रकार। बताइए पाठ्यचर्या का प्रकार कौन कौन से है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है कोर पाठ्यचर्या, समेकित पाठ्यचर्या, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। और जो लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकंड जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके अपना देख लें। उस पर भी काफ़ी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हाफ हाफ तो हो ही चुका है। पेपर फर्स्ट में 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर सेकंड में 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है कि कोर जो है प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है बालकों को व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याएँ जो होती हैं उससे संबंधित अनुभव प्रदान करना। फिर है बालकों का वर्तमान व भावी समस्याओं को सुलझाने हेतु ज्ञान व अनुभव प्रदान करना। और थर्ड में दिया गया है व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना, या फिर तीनों उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तीनों इसके ऑप्शन सही हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें है कोर पाठ्यचर्या की निम्नांकित विशेषताओं में से एक विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कोर पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित है, इसमें समय विभाग चक्र लचीला व अनिश्चित होता है, ये पाठ्यचर्या समस्या समाधान पर बल देती है, या फिर इसमें कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, कोर पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। फिर आ जाते हैं, अब ये किसने बोला है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया, देखिए सबसे पहले तो इस पर दिया गया है कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो या दो से अधिक विषयों का सम्मिलित शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं को का भार बढ़ाता है, यह विचार किसका है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया मुनरो, या फिर गुडलैंड का, या फिर फ्रॉवेल का, या फिर होर्नी का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुडलैंड का है ये। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसमें दिया गया है विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव ज्ञान क्रिया करने की सीख देता है वे सभी इसके अंग बन जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा की विधियां या फिर अनुशासन। तो देखिए ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सारे किसके अंग हो जाएंगे, पाठ्यचर्या के हो जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस पर दिया गया पाठ्यचर्या को और किन नामों से संबोधित किया जाता है, और किन किन नामों से देखा जाता है। तो उसको देखिए, पहले ऑप्शन में दिया गया सिलेबस, और दिया गया कोर्स ऑफ स्टडी, या फिर दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सिलेबस भी बोला जाता है और कोर्स ऑफ स्टडी भी बोला जाता है। फिर आ जाते हैं 7 क्वेश्चन में, इस पे दिया गया पाठ्यचर्या करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक भाषा, या फिर लैटिन भाषा, या फिर यूनानी है, या फिर हिब्रू है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे की वन लाइनर आपका इसी से बनता तैयार हो जाएगा। इसको आप लोग वन लाइनर की तरीके भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे दिया गया है पार्टी चल रहा का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है दौड़ का रास्ता, रनवे, दौड़ का क्षेत्र, रेस कोर्स, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, दौड़ का रास्ता और दौड़ का क्षेत्र। फिर है हाँ कथन वाला क्वेश्चन है। इस पे दिया गया पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गतवत स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, रॉबर्ट यूलिच का है, या फिर कनिंगम का है, या फिर डंकन्स ग्रीलेज का है, या फिर ब्रू बेकर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ब्रूवेकर का है ये। ठीक है, तो क्या इस पे दिया गया है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। यह कथन किसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इससे दिया गया है रॉबर्ट यूलिच का है, या फिर डंकन जेल का है, या फिर ब्रूवेकर का है, या फिर कनिंगम का है, रिचेल। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट यूलिच का है। ठीक है, ये फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें दिया गया है पाठचर्या के किन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो पाठचर्या है उसके लिए कौन से दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इस पर दिया गया करिकुलम, सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है लोकतंत्री पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं। ऑप्शन दिया गया है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लचीलापन, या फिर बहुमुखी प्रवृत्ति, या फिर उपयोग सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसमें दिया गया है किसके अनुसार पाठ्यचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, या फिर पाठ्यक्रम कार्यक्रम और कुछ हद तक व अध्ययन सुविधियां मेथोडोलॉजी भी शामिल किया जा सकता है जो कक्षा के सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो बताइए किसने कहा है ये। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया यूनिसेफ की रिपोर्ट, या फिर यूनेस्को की रिपोर्ट, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट, या फिर सैंडलर रिपोर्ट। तो ये जो बोला है, ये बोला है यूनेस्को की रिपोर्ट ने। ठीक है, इसमें बोला गया है ये। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और इसमें दिया गया है पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के भी बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, किसकी आयोजना उसके मानसिक जिसकी आयोजना जो होती है उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती है। यह परिभाषाएं किसकी है। ठीक है, छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी लाइनें याद हो जाएंगी। ठीक है, देखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है बट आपको छोटी लगेगी। ठीक है, इतनी बड़ी परिभाषा दी गई, बताओ। अब इस पर देखिए, वैसे है तो बिल्कुल सिंपल, बस इस पर ये खाली याद रखना है कि पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के विद्यालय के साथ साथ उसको कहाँ के बाहर के भी जो भी अनुभव शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कॉमन सारी चीज़ें मिलेंगी। तो किसने ये बोला है, तो सबसे पहले इस पर दिया गया क्रू एंड क्रू, फिर है के जी सैयदन, फिर है कनिंगम, या फिर ओ आई फ्रेडरिक। तो देखिए अपने क्रो एंड क्रो जी ने बोला है ये। ठीक है, ये हम लोगों ने बचपन से लेके अब हम लोग बुढ़ापे तक की आ गए हैं, तो पूरा ये हम लोग के साथ ही रहेंगे। ठीक है, बचपन का मतलब है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो ये हमारे साथ ही है, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, कौआ एंड कौआ, बट ये कौआ एंड कौआ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, हाँ अरे
15 क्वेश्चन नंबर में इस पे दिया गया है, व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं, यह परिभाषा किसने दी है बताइए। तो सबसे पहला क्रो एंड क्रो ने, रडियार्ड तथा हेनरी ने, या फिर डंकर्स ग्री जेल ने, या फिर ओ एफ ओ आई फ्रेडरिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, ठीक है, रडियार्ड तथा हेनरी ने दिया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, और इसमें दिया गया है पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपने दैनिक कार्य व्यवहार करता है जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित है, यह परिभाषा किसने दी है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है क्रो वा क्रो ने, या फिर रडियार्ड तथा हेनरी ने, या फिर के जी सैयदन ने, या फिर ओ आई फ्रेडरिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, के जी सैयदन ने दी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो कि बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसने लिखा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय तथा कक्षा पुस्तकालय प्रयोगशाला कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन परिचय जीवन जो पाठ्यचर्या है बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है। अब भैया बताइए किसने बोला ये। तो पहले वाले में दिया गया है यूनेस्को की रिपोर्ट ने, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या फिर सैंडलर आयोग ने, या विश्वविद्यालय आयोग ने। तो जो ये बोला है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अब आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, और इसमें दिया गया है पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं, यह कथन किसका है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया फ्रांसिस जे ब्राउन का है, या फिर के जी सैयदन का है, और ओ आई फ्रेडरिक का है, या फिर करिंगम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, फ्रांसिस जे ब्राउन का है ये। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें दिया गया शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक वाला, और पुस्तक वाला देखिए जब हम फर्स्ट और सेकंड में भी दिया था तो भी पुस्तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये अभी से ये अलग नोट डाउन कर लें, एक पुस्तक का मतलब कि एक पेज में पुस्तक डाल के या फिर बुक्स डाल के लिख लीजिए कि जिससे कि आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। अब देखिए इस पर 19 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया वो है शैक्षिक समाज विज्ञान पुस्तक नामक किसने लिखी है। तो के जी सैयदन ने लिखी है, फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी है, या ओ आई फ्रेडरिक ने लिखी है, या फिर रडियार्ड तथा हेनरी ने लिखी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फ्रांसिस जे ब्राउन, ठीक है। तो शैक्षिक समाज विज्ञान जो पुस्तक है फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी है। फिर है विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार है शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण की विधियां पाठ्यचर्या या फिर विद्यालय संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्यचर्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है इस पे कनिंगम का है, या फिर फ्रोबेल का है, या फिर टीपी नन का है, या फिर रेमोल्ड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल का है, ठीक है, फ्रोबेल ने ये बोला था। और फिर इसके बाद है 22 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर
बहुत बल दिया जा रहा है, दार्शनिक आधार पर या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर या फिर सामाजिक आधार पर या फिर वैज्ञानिक आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक आधार पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, पाठ्यक्रम से निर्माण के सूत्र क्या क्या होते हैं। तो इस पर दिया गया शिक्षा प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली है, शिक्षा के उद्देश्य है और लास्ट में दिए गए उपयुक्त सभी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएंगे इसका। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो इस पर बताना है कि इसका विषय केंद्रित जो है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि विषय केंद्रित किसके विषय के लिए हो रही, तो सीधे सीधे छात्र केंद्रित विषय के लिए, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये हम लोगों ने जो चैप्टर फर्स्ट है पेपर थर्ड का वो आज हम लोगों ने कंप्लीट करा, ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और मई तक की कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ कंप्लीट करके, जो हम लोग की एडिशनल बुक होती है जो है उसको अब देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जून में हम लोग को पूरा एडिशनल बुक को ही देखेंगे और लास्ट में जब आएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।